Welcome to our YouTube channel MLM Crypto Concept. हाय दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल MLM Crypto Concept में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब से आपको वीकली एनालाइज दिया जाएगा, मतलब दोस्तों सप्ताह के हर रविवार को फॉरेक्स ट्रेडिंग के किसी चार पेयर्स पर आपको वीकली एनालाइज दिया जाएगा और साथ में आपको बताएगा कि दोस्तों किस करेंसी में कौन सा ट्रेंड अभी चल रहा है। दोस्तों जब भी आप ट्रेड करते हो तो ज़रूरी है कि ट्रेंड के साथ आप ट्रेड करो, क्योंकि दोस्तों जब आप ट्रेंड के अपोजिट में आप फंस जाते हो, स्टॉप लॉस नहीं यूज करते दोस्तों, आपको में इस हो सकता है इसमें भारी भरकम नुकसान हो सके। तो दोस्तों जब भी आप ट्रेड करो ट्रेंड के साथ करो, और ज़रूरी है दोस्तों कि आप स्टॉप लॉस के साथ भी आप ट्रेड करो। तो चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा फॉरेक्स ट्रेडिंग किसी चार पेयर्स में कि दोस्तों किस करेंसी की क्या ट्रेंड चल रही है। सबसे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो। जो भी लोग दोस्तों फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं उनके दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो दोस्तों प्लीज़ शेयर करो इस वीडियो को ताकि उन लोगों को भी जानकारी इसे मिल सके। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के टॉपिक पर। ये दोस्तों हमने यूरो यूएसडी का चार्ट ओपन किया है और ये एक दिन का चार्ट है। ये दोस्तों एक दिन का चार्ट है जहां दोस्तों हमें ये कंफर्म देखने को मिल रहा है कि यूरो यूएसडी की अभी डाउन ट्रेंड चल रही है। पिछले सप्ताह से दोस्तों यूरो यूएसडी की डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुकी है और दोस्तों आप देख सकते हो कि यहां से मार्केट यहां पर रुकी हुई है। जैसा कि मंडे से ओपन होगी जब मार्केट, तो दोस्तों कम से कम दोस्तों मार्केट श्योर है कि यहाँ से आपको 20 पिप्स का दोस्तों आपको करेक्शन और देखने को मिले। यहाँ से दोस्तों हो सकता है कि मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट ले, लेकिन दोस्तों चांसेस यहाँ से बहुत कम है। दोस्तों अगर आप शॉर्ट टाइम ट्रेडर हो, इंट्राडे ट्रेडर हो, तो दोस्तों आप यहाँ पर 20 जब मंडे से मार्केट ओपन होती है तो आपको 20-30 पिप्स का आप यहाँ से सेल ट्रेड आप यहाँ से यूज कर सकते हो और अपने एक ट्रेंड यहाँ से आप चल सकते हो। बाकी का दोस्तों मार्केट दोस्तों जब ओपन हो होगी तो आपको यहाँ तक देखने की, जब भी मार्केट इस लेवल को यहाँ से दोस्तों देख सकते हैं एक दिन के चार्ट में आप यहाँ देख ले कि जब मार्केट इस लेवल को क्रॉस करेगी तो दोस्तों अगर अच्छे से क्रॉस करती है यहाँ तक दोस्तों, अगर मार्केट यहाँ तक दोस्तों क्रॉस करते हुए आती है तो आपको सिंपल दोस्तों कम से कम यहाँ तक आप सेल टारगेट आप यहाँ तक ले सकते हो। सिंपल दोस्तों कि अगर यहाँ तक मार्केट आती है 3 नंबर लाइन के पास तो दोस्तों श्योर है कि आपको अब यहाँ से सेल ट्रेंड आपको समझ जानी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हो कि मार्केट को आप यहाँ तक आपको वेट करनी है। यहाँ तक जैसे दोस्तों इस लेवल को जैसे ही क्रॉस करती है तो दोस्तों आपको समझनी है कि यहाँ से आप सेल ट्रेंड स्टार्ट होगी और यहाँ तक दोस्तों आप इजीली आप सेल का प्रॉफिट आप ले सकते हो। तो दोस्तों आप यहाँ पर बाइक में हड़बड़ी ना करें, क्योंकि दोस्तों एक दिन की आप RSI के अगर लेवल भी देखें तो वह एक दिन के चार्ट के हिसाब से तो अभी 50-70 के लेवल तक जाने वाली है। तो 70 के लेवल दोस्तों श्योर के आएगी और यूरो यूएसडी की अभी और भी थोड़ा डाउन आपको आने देखने को मिलेगी। अगर दोस्तों हम इसकी वीकली चार्ट का एनालाइज करें तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो मार्केट है यहाँ तक आई हुई है और इसकी जो छोटा सा जो रेसिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पर दोस्तों एक छोटा सा पिन पॉइंट देखने को मिल रहा है, एक छोटा सा रेसिस्टेंस देखने को मिल रहा है जो दोस्तों जहाँ तक अंदाजा है कि ये यहाँ से इसे क्रॉस कर देगी। तो दोस्तों आप छोटा सा यहाँ से अगर जैसे मार्केट ओपन होती है तो 20 पिप्स का आप यहाँ से शॉर्ट टाइम ट्रेड ले सकते हो। इसके बाद दोस्तों आपको वेट करनी है कि इसे क्रॉस करती है या नहीं। अगर दोस्तों यहाँ पर एक दिन के चार्ट में कुछ, यहाँ पर दोस्तों अगर आपको 4 घंटे के चार्ट में कुछ आपको एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल देखने को मिलता है तो दोस्तों आप यहाँ से बाई उठा सकते हो, या फिर दोस्तों आपको वेट करनी चाहिए ये इस लेवल तक आने की, इस लेवल को क्रॉस करने की। जैसे दोस्तों इस लेवल को यहाँ तक क्रॉस करती है तो सिंपल दोस्तों ये मार्केट यहाँ तक आएगी और यहाँ से दोस्तों आप इजीली एक अच्छा बाई आप यहाँ पर ले सकते हो। नेक्स्ट जो करेंसी दोस्तों वो है GBP USD। GBP USD दोस्तों पिछले कुछ सप्ताह से हमें अच्छा खासा अप ट्रेंड देखने को मिल रहा था। ये दोस्तों इसकी वीकली चार्ट की एनालाइज है और इसी चार्ट में दोस्तों आप देख सकते हो कि अच्छा खासा अप ट्रेंड के बाद यहाँ से एक ट्रेड जो स्टार्ट हुई वो दोस्तों सेल के स्टार्ट हो गई और GBP USD भी अच्छा खासा हमें सेल देखने को मिल रहा है। दोस्तों अगर चार घंटे के चार्ट को मैं एनालाइज करूँ तो देख सकते हो कि अच्छा खासा यहाँ डाउन ट्रेंड देखने को मिला है और कोई भी दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल देखने को नहीं मिल रहा है 4 घंटे के चार्ट में जो हमें ये बता सके कि आगे अब ये भी ये बाय होगी। तो दोस्तों हम जहाँ तक GBP USD देखने को बात है तो दोस्तों आप सिंपली यहाँ से अभी सेल को ही ट्रेड लेनी है। दोस्तों आपको यहाँ पर बाय नहीं फंसनी है और सिंपल से दोस्तों एक अच्छे लेवल पर आने के बाद यहाँ से सेल लगाएं। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हो 4 घंटे के चार्ट में यहाँ पर शो हो रही है, तो दोस्तों अगर थोड़ा सा यहाँ से रिट्रेसमेंट लेती है तो 20-30 पिप्स का आप इजीली यहाँ से प्रॉफिट आप ले सकते हो सेल पे।
एक दिन के चार्ट से दोस्तों आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि GBPUSD का भी डाउन ट्रेड आ चुकी है और एक तरह का डाउन ट्रेड हमें देखने को यहाँ से मिल रहा है। दोस्तों डाउन ट्रेड जो है यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर एक 200 का मूविंग एवरेज है जो हो सकता है इसका सपोर्ट बने, लेकिन दोस्तों बहुत कम बार ही इसे सपोर्ट देखने को मिलता है क्योंकि डाउन ट्रेड की आप प्रेशर देख सकते हो कितनी ज़्यादा डाउन ट्रेड की आप प्रेशर आप देख सकते हो। तो दोस्तों सिंपल है कि 200 मूविंग एवरेज तक आप यहाँ तक दोस्तों 20-30 पिप्स का शॉर्ट टाइम के लिए सेल ले सकते हैं GBPUSD पे। इसके बाद दोस्तों 200 मूविंग एवरेज क्रॉस होती है तो आपको यहाँ से भी आपको सेल लेने का मौका मिलता है। और दोस्तों जो नेक्स्ट इसकी टारगेट होती है ये यहाँ तक दोस्तों आपकी हो सकती है, यहाँ तक आपको यहाँ सेल में आप ले सकते हो। इसके बाद उसकी जो नेक्स्ट रेसिस्टेंस है मुझे देखने को जो मिल रहा है ये दोस्तों यहाँ तक तो एक रेसिस्टेंस है, बट उम्मीद कम है दोस्तों कि यहाँ तक मार्केट आएगी। तो सिंपल दोस्तों आपको जब भी यहाँ के इस लेवल को क्रॉस करते हैं, जब भी दोस्तों GBPUSD इस लेवल को क्रॉस करेगी दोस्तों GBPUSD जब भी इस लेवल को क्रॉस करती है तो आप सेल का आप ले सकते हो, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको एक वेट करनी चाहिए मेरे हिसाब से, एक अच्छा खासा आपको डाउन ट्रेड का सिग्नल दे तभी यहाँ से आप सेल ले, या फिर दोस्तों क्योंकि दोस्तों यहाँ पर दो हमें रेसिस्टेंस देखने को मिल रही है, एक 200 का मूविंग एवरेज, दूसरा दोस्तों यहाँ पर एक पिन पॉइंट का रेसिस्टेंस आप देख सकते हो। तो दोस्तों ये दोनों हो सकता है कहीं ना कहीं हल्का वर्क करे, तो आपको दोस्तों GBPUSD में थोड़ी सी सावधानी रखनी है, सेल ट्रेंड लेनी है और यहाँ एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सिग्नल 4 घंटे के चार्ट में अगर आपको देखने को मिले तो ही दोस्तों आपको यहाँ से बाय उठानी है, वरना दोस्तों थोड़ा वेट कर लेनी है। दोस्तों तीसरी जो पेयर से वो है NZD USD भी दोस्तों ये एक दिन का चार्ट है और एक दिन के चार्ट से यहाँ भी क्लियर हो रहा है कि ये डाउन ट्रेड पे, तो मतलब दोस्तों EURUSD GBPUSD और NZD USD तीनों ही डाउन ट्रेड देखने को मिल रही है और अभी भी ऐसा लग रहा है दोस्तों जैसे मार्केट ओपन जब होगी तो डाउन ट्रेड से ही ओपन होगी। तो दोस्तों जब यहाँ से मार्केट यहाँ तक आई है आप देख सकते हो कि मार्केट यहाँ पर क्लोज हुई है, तो मंडे को जब मार्केट स्टार्ट होगी तो हो सकता है दोस्तों इसके डाउन ट्रेड जो है जो यहाँ तक आए, यहाँ तक दोस्तों सिंपल है कि यहाँ तक आनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ से आपको NZD USD को आप डाउन ट्रेड में ही ले सकते हो, डाउन ट्रेड में ही आपको यहाँ प्रॉफिट दिला सकती है। बाकी दोस्तों यहाँ पर से आपको NZD USD आपको अगर आप यहाँ से बाइक लेते हो तो दोस्तों हो सकता है यहाँ आपका नुकसान हो जाए। तो दोस्तों आपको यहाँ तक इस ये जो दोस्तों लेवल है यहाँ से सिंपल दोस्तों कोई तरह का रेसिस्टेंस यहाँ देखने को नहीं मिला, एक छोटा सा रेसिस्टेंस ये वाली दोस्तों यहाँ से देख सकते हो और यहीं पर मार्केट दोस्तों यहाँ पर रुक चुकी है, तो थोड़ा सा दोस्तों आपको वेट कर लेना है। दोस्तों सिंपल से दोस्तों आपको इस रेसिस्टेंस को तोड़ने का इंतजार करना है, यहाँ पर मार्केट जैसे कि रुकी हुई है तो जैसे दोस्तों यहाँ से 10 या 12 पिप्स के नीचे आती है तो दोस्तों यहाँ से आप सेल ट्रेंड आप समझ सकते हो कि सेल ट्रेंड यहाँ पर आई है और यहाँ से दोस्तों आप सेल ले सकते हो और यहाँ तक दोस्तों आपका जो नेक्स्ट टारगेट होगा ये यहाँ तक दोस्तों आपको हो सकता है। तो NZD USD की जो प्राइस चल रही है दोस्तों ये आप देख सकते हो 63290 की अभी प्राइस चल रही है और दोस्तों आपको कम से कम 20-30 पिप्स जैसा कि मैंने बताया यहाँ तक दोस्तों मार्केट आती है, ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और दोस्तों 20 पिप्स का जैसे ही थोड़ा सा नीचे और डाउन आती है तो दोस्तों यहाँ से आप सेल ले सकते हो, एक अच्छा सेल आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों सिंपल दोस्तों यहाँ तक आपको यहाँ ये सेल की जो टारगेट होगी यहाँ तक मतलब 6 to 560 तक आपको देखने को मिलेगा जो कि सेल ट्रेंड यहाँ तक आपको टारगेट आपकी हो सकती है। तो दोस्तों NZD USD में भी सेल ट्रेंड चल रही है और दोस्तों यहाँ से भी आपको सेल का मोमेंट ही लेनी है, बस दोस्तों यहाँ से थोड़ा सा वेट कर लेना है जिस मार्केट में अभी रुकी हुई है, यहाँ से थोड़ा सा दोस्तों अगर 20 पिप्स भी नीचे जाती है तो दोस्तों आपको यहाँ से सेल ट्रेंड ही आपको चलनी है। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम XAUSD की बात कर लें तो दोस्तों XAUSD में भी देख सकते हो डाउन ट्रेड ही चल रही है और ये दोस्तों एक दिन का चार्ट है, एक दिन के चार्ट से भी दोस्तों क्लियर समझ में आ रही है कि अभी डाउन ट्रेड ही स्टार्ट हुई है और डाउन ट्रेड स्टार्ट हो चुकी है इसकी और अभी भी XAUSD की अच्छी खासी डाउन ट्रेड जाने वाली है। अगर इसको वीकली एनालाइज किया जाए तो आप देख सकते हो कि XAUSD जो है अपने जो पिछले जो इसका रेसिस्टेंस था इसने उसे क्रॉस कर दिया और एक थोड़ा सा भी एक पिन पॉइंट पे लटकी हुई है, लेकिन उससे यहाँ से भी मार्केट हो सकता है कि नीचे जाए। तो दोस्तों अगर XAUSD और नीचे जाती है तो इसकी जो लेवल हो सकती है वो आपकी 1438 हो सकती है या 1440 तक दोस्तों आपको देख लेनी चाहिए, हो सकता है दोस्तों जैसा कि अभी देख सकते हो 1458 अभी चल रही है, तो जैसे दोस्तों 1458 को क्रॉस करती है और 1455 मतलब 1455 तक दोस्तों अगर आती है तो दोस्तों आपको समझ लेनी है कि यहाँ से अभी सेल ट्रेंड स्टार्ट हुई है हो चुकी है XAUSD की और दोस्तों अभी और भी सेल जाने वाली है। तो दोस्तों अगर 1455 जैसे ही यहाँ आती है तो आपको सेल से ले सकते हो और दोस्तों कम से कम आपका नेक्स्ट टारगेट जो हो 1440 तक आपका हो सकता है।
तो थोड़ा सा दोस्तों मेरे हिसाब से थोड़ा सा आपको वेट कर लेनी चाहिए। जैसे ही दोस्तों 1455 तक आती है तो यहाँ से आपको सेल ट्रेंड स्टार्ट करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा यहाँ से आपको हमेशा XUSD में स्टॉप लॉस हमेशा यूज करनी है, क्योंकि दोस्तों XUSD की जो रेसिस्टेंस है वो बहुत जगह मुझे देखने को मिल रही है। एक तो दोस्तों 1450 है, फिर 1435 है, और XUSD एक ऐसी करेंसी है दोस्तों जो हर छोटे छोटे सपोर्ट और रेसिस्टेंस पर ठहरती है, रुकती है। तो दोस्तों आपको ईजिली अब मतलब विदाउट स्टॉप लॉस XUSD में कभी भी आपको काम नहीं करना है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि XUSD का भी सेल ट्रेंड चल रही है, तो दोस्तों आपको यहाँ से बाय लेने से बचनी है। अगर दोस्तों आप यहाँ पर बाय लेते हो तो कम से कम दोस्तों 4 घंटे के चार्ट आप देख सकते हो कि यहाँ से सेल ट्रेंड स्टार्ट हुई है। तो दोस्तों एक आपको एक स्ट्रॉन्ग बाय की सिग्नल, एक आपको दोस्तों मारू बुजो, एक दोस्तों या फिर आपको बुलिश इनगल्फ, या फिर इस तरह के दोस्तों कुछ कैंडल स्टिक आपको तलाशनी है या देखनी है। आपको बेरिश बुलिश जो होती है, बुलिश हरामी पैटर्न जो होती है, ये भी दोस्तों आपको यहाँ पर देखने, अगर दोस्तों इस तरह का कुछ पैटर्न आपको यहाँ पर देखने को मिलता है 4 घंटे के चार्ट में, तो ही दोस्तों यहाँ से बाय ले। या फिर दोस्तों अगर आपको ऐसा कुछ आप देखोगे कि ये देखो RSI का जो लेवल है 70 क्रॉस कर चुकी है, तो इस तरह के लेवल में दोस्तों हो सकता है अभी भी आप फंस जाओ, क्योंकि दोस्तों अभी XUSD की जहाँ तक मुझे लग रहा है अभी भी डाउन ट्रेंड चल रही है और चलेगी अभी, तो 1440 तक हो सकता है जाए। तो आपको दोस्तों अभी XUSD को सेल ट्रेंड से ही लेनी है और बाय बहुत कम लेनी है। एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस, एक स्ट्रॉन्ग दोस्तों आपको कैंडल स्टिक का वेट करना चाहिए, तभी दोस्तों यहाँ से आप बाय लें। तो दोस्तों आप वीकली एनालाइज में जितने भी मैंने किए हुए हैं दोस्तों आप क्लियर देख सकते हो कि काफ़ी 90% दोस्तों एक्यूरेट हुए हैं। तो मंडे को दोस्तों जैसे मार्केट ओपन होती है, तो अगर आपने हमारे वीडियो देखा है तो दोस्तों बिल्कुल इसी तरह से आपको ट्रेड लेनी है, जिससे कि दोस्तों आप एक अच्छा प्रॉफिट आप कर सको। तो मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।